नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं संतोष कुमार स्मार्ट सॉल्यूशन से। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो ये जो डबल लेकर की फ़ोन है, इस डबल लेकर की फ़ोन को किस तरह से हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीपीयू बिना निकाले ही रैम निकाल करके रिवॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कोशिश तब आप करें जब आपका सीपीयू ऑलरेडी काम हो चुका है और बूटिंग की प्रोसेस में दिक्कत आ रहा है फ़ोन। ठीक है, 162 या फिर 154, 155 या 135, इस तरह की बूटिंग में अगर कोई दिक्कत है फ़ोन में, ठीक है, तो फिर आप ओनली रैम उतार करके भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हमने किया है। सबसे पहले हमने यहाँ पीपीडी अप्लाई किया और इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। ठीक है, और पीपीडी इस तरह से क्लीन करना है ताकि वो मदरबोर्ड के नीचे वाले हिस्से में ना जाए। सावधानी का काम ये आप कर पाएंगे इस पर। अगर आप इससे पहले डबल डेकर की काम करते हैं तो फिर आपके लिए ये ईजी होगा, और अगर नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा टफ होगा, लेकिन पॉसिबल है, कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, हम सीपीयू को बिना उतारे भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो साइड से हमें पीपीडी को क्लीन कर लेना है। ध्यान रहे कि पीपीडी हमारा सीपीयू के नीचे ना जाए, पतली ट्वीजर से इसे अच्छे से साफ कर लेना है। और इसके बाद इसको हीट करेंगे, हम गर्म करेंगे 260 पे। ठीक है, और हमारा बॉल देखिए एकदम ईजी तरीके से बन चुका है। इसके बाद हमें रैम को क्लीन कर लेना है। डिसोल्डर वायर से आप रैम को क्लीन करें, और डिसोल्डर वायर आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए। क्लीन कर लेना है, इसके बाद इसे रिवॉल्व कर लेंगे। रैम की चेकिंग आप कर लें। ठीक है, रैम की चेकिंग अगर आपका सैमसंग की रैम है और माइक्रोन की रैम है तो इसका अलग अलग स्टेप होता है, उस स्टेप के द्वारा आप इसे चेक कर लें कि आपका माइक्रोन है तो कम से कम 8 से 10 ओम के बीच में आना चाहिए, सैमसंग है तो 40 से 50 ओम से ऊपर आनी चाहिए इसकी रीडिंग। रिबॉलिंग के लिए आप यूनिवर्सल स्टेंसिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सेपरेट है तो आप सेपरेट कर लें। इसमें जो हमारा छोटा टाइप सी है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, उधर की हमारी सारी बॉल प्रॉपर बननी चाहिए। ऐसे कोशिश करें कि सारा बॉल आपका प्रॉपर बने। कॉटन से क्लीन कर लेना है। इस तरह की मेथड से आप बहुत ही कम समय में अपने डबल डेकर को बना सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी के लोगों के पास टेक्निक पहुंच सके और वो अपने काम को इजीली कर पाएं। आईसी हमारा रिवॉल्व हो चुका है। रिवॉल्व होने के बाद इसे क्लीन कर लेना है, और हमें अपने आईसी के ऊपर में फ्लक्स पेस्ट अप्लाई करनी है। ध्यान रहे, फ्लक्स पेस्ट आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे फ्लक्स पेस्ट भी हमारी आईसी के लिए काफ़ी मायने रखता है, आईसी को प्रॉपर फिक्स होने के लिए। और फ्लक्स अप्लाई करने से पहले अपने आईसी का रीडिंग आप चेक कर लें कि आपने जो बॉल बनाया है क्या उससे उसकी आईसी की रीडिंग में कोई फर्क तो नहीं आया। रीडिंग हमारा 132, 145 एंड 165 इसके दरमियान होनी चाहिए, मिली ओम्स के करीब। आईसी को अच्छी तरह से अलाइनमेंट कर लेना है। इसके बाद इसे हम 280 की टेम्परेचर में फिक्स करेंगे। दो सौ अस्सी से 290 का टेम्परेचर रखें।
कनेक्ट होने के बाद हम चेक कर लेंगे कि हमारा रैम सही से कनेक्टिविटी में है या नहीं। इसके बाद हम इसे पीसीबी से कनेक्ट करेंगे फ्रेम से डिस्प्ले के साथ और चेक करेंगे। और देखेंगे जैसा कि हमारा मोबाइल कनेक्टिविटी हो चुका है और रेडी भी हो गया, चार्जिंग लेना भी स्टार्ट हो गया। तो कितना इजी मेथड है एवरीवन, आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से डबल लेगर को आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ने काम किया है डबल लेगर पे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरी आईसी उतारना पड़ता है। ठीक है, ये देख सकते हैं कि हमारा जो बोर्ड है जिस पे हमने काम किया, और इसे हम चालू भी करके चेक करेंगे तो हमारा जो A50 है वो चालू हो चुका है, यानी कि ईजी प्रोसेस है। ठीक है, तो एवरीवन सभी से आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, वीडियो दूसरों को शेयर कीजिए ताकि वो इस वीडियो को देख पाएँ, कुछ सीख पाएँ, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास हमारी वीडियो जो है पहुंचता रहे। और एवरीवन हमारे पास हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी है, अगर आप रिपेयरिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़े, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज करें और हमारा इन्फॉर्मेशन लें। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।